इसराइल हमास युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट का लाल सागर जंग का एक नया अखाड़ा बन चुका है और इस अखाड़े में यमन का हूती लगातार अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों की सेनाओं को अपने हमलों से पटखनी दे रहा है। और अब आलम यह है कि पहले जर्मनी का हेसेन युद्धपोत लाल सागर छोड़कर वापस चला गया था और उसके बाद अमेरिका का यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर लाल सागर से वापस चला गया था। हालांकि यूएसएनआई न्यूज फ्लीट और मरीन ट्रैकर डेटा के मुताबिक अमेरिका का ये युद्धपोत अब दोबारा लाल सागर में लौट आया है। लेकिन इस सब के बीच जर्मनी की मीडिया ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे लाल सागर में पश्चिमी देशों की सैन्य ताकत पर कई सवाल या निशान लग रहे हैं। जर्मनी की मीडिया ने खबर दी है कि यूरोपियन यूनियन का एसपीडीज नेवल मिशन लाल सागर में हूती का सामना करने में नाकामयाब रहा है। इसको लेकर ग्रीक के रियर एडमिरल वेसिलियस ग्रिपेरिस ने पिछले हफ्ते यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों के साथ एक गुप्त मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने लाल सागर में हूती के इजरायल विरोधी हमलों की ताकत पर चिंता जाहिर की थी। वहीं जर्मनी के न्यूज आउटलेट स्पीगल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ग्रीक के एडमिरल ने चेतावनी दी है कि यमन के हूती द्वारा पैदा किया गया खतरा अभी भी गंभीर बना हुआ है। एडमिरल वेसिलियस ने यह भी खुलासा किया कि 29 अप्रैल 2024 के हमले में हूती के ड्रोन्स के झुंड ईयू के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने और एक कमर्शियल जहाज को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुए थे। ग्रिपेरिस का यह भी कहना है कि ईयू ने लाल सागर में मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया लेकिन हूती के ड्रोन्स के झुंड के आगे ये एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाफी साबित हुआ है और यही वजह रही थी कि जर्मनी को अपना हेसेन युद्धपोत लाल सागर से वापस बुलाना पड़ा था। ग्रिपेरिस का कहना है कि जर्मनी के युद्धपोत के लाल सागर से वापसी करने की वजह से वो मिशन को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाएंगे और इसे पूरा करने के लिए लाल सागर में कम से कम 10 युद्धपोत और ड्रोन हमलों को बेअसर करने के लिए एयर सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन ने कई बार यमन के भीतर हूती के ठिकानों पर हमले किए हैं लेकिन इन हमलों के बावजूद हूती की ताकत में कोई कमी नहीं आई है बल्कि वो और आक्रामक तरीके से लाल सागर में हमले कर रहा है।